कोटली आज़ाद कश्मीर का होनहार पायलट बन गया। वैसे तो आज़ाद कश्मीर की 15 लाख से भी ज़्यादा आबादी बरतानिया, यूरोप के ममालिक, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडल ईस्ट, गर्ज दुनिया के हर मुल्क में आबाद है, मगर बहुत कम सुनने या देखने को मिलता है कि उनके बच्चे किसी ओहदे तक पहुंचते हैं या कोई गैर मामूली काम सर अंजाम देते हैं। बहुत ही कम लोगों की औलाद ऐसे शोबे इख्तियार करती है जिससे ना सिर्फ वालिदैन, खानदान, बल्कि इलाके की इज्जत भी हो। जी हाँ, ऐसा ही एक हमारा हीरो बन चुका है। तारुफ उसकी अपनी ही काबिलियत है। कोटली आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से निकलकर आज आसमान की बुलंद हवाओं में जहाज़ चला रहा है, जिसका नाम हबीब जमील है, जिसका ताल्लुक कोटली से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर मशरिक की जानिब ऊंची पहाड़ियों की वादी मनकाल मुनेल से है, जिसके इब्तदाई तालीम कोटली आज़ाद कश्मीर से हुई। बाद अजां तकरीबन 10 साल कबल बेल्जियम मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। बाद अजां अमेरिका से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया और तकरीबन दुनिया भर में परवाज़ों को उड़ा रहा है। ज़िला कोटली के लिए यह फ़ख्र की बात है कि इस सरजमीन का बेटा दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों की फहरिस्त में आकर इस मकाम तक जा पहुंचा है। अल्लामा इकबाल ने इस जैसे होनहार के लिए ही ये शेर लिखा है। तू शाहीन है परवाज, है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। अब वो 20 जुलाई को पहली मर्तबा पायलट बनकर अपने वतन वापस आ रहा है, जिसके लिए बागयूर कौम को अपनी धरती के बेटे का खूब इस्तकबाल करना है, ताकि उसका खूब हौसला बढ़े और हमारे बच्चों को भी कुछ बनने का शौक पैदा हो। यूं ही हम लोग सियासी जलसों और जुलूसों से निकलकर अपने आप के लिए भी कुछ कर सकते हैं, मगर इस बार एक होनहार का इस्तकबाल करके, उसकी हौसला अफजाई करके, उसके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करके मौजूद शहरी होने का सबूत देना है, जो कौम के लिए नहायत ज़रूरी है, वरना अगली नस्ल भी इसी तरह सियासी अखाड़ों का ही शिकार रहेगी। हमारी दुआ है कि हर वालिदैन को उनके बच्चों की जानिब से खुशी मिले और दौरे हाजिर की बेमानी सियासी खींचातानी से जान छूटे।